परे, अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है और आपको अपना बैंगल मेजरमेंट पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आपको चाहिए एक बैंगल, एक पेंसिल और एक स्केल। तो इनकी हेल्प से आप अपना बैंगल मेजरमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बैंगल की हेल्प से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अच्छी तरीके से एक सर्कल को एक्यूरेटली हम ड्रॉ करेंगे शीट के ऊपर, ये देखिए। और फिर इसका जो सेंटर पार्ट है, उस सेंटर पार्ट को ले करके हम इसको एक स्केल के थ्रू मेज़र करेंगे। इसका जो डायमीटर है, उस डायमीटर को हम इस स्केल के थ्रू मेज़र करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस स्केल के थ्रू इसका जो डायमीटर है उसको मेज़र कर रहेंगे। मेज़र करेंगे, आप देख सकते हैं इसका जो डायमीटर आ रहा आएगा, वो जो डायमीटर है ये है 6 सेंटीमीटर के एक्यूरेट आ रहा है। तो ये जो बैंगल का जो साइज़ रहेगा ये 6 सेंटीमीटर रहेगा। और मैं लास्ट में एक चार्ट भी लगा दूंगी, तो आप उस चार्ट के थ्रू आपका जो ऑनलाइन मेजरमेंट का जो जो साइज़ होगा वो आपको पता चल जाएगा। सो गाइज़, ये था आपका बैंगल मेज़रमेंट। एक और बैंगल के थ्रू हम देखेंगे कि आप अपना मेज़रमेंट किस तरीके से लेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल के और जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही होंगी उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और थम्सअप ज़रूर दीजिएगा। तो हमने एक और बैंगल को लेकर के इसी तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और उसका डायमीटर भी हमने ले लिया है, मतलब जो सेंटर पार्ट है उसको ले करके हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। हमने मार्क कर लिया इसके सेंटर पार्ट को। सेंटर पार्ट को मार्क करने के बाद हम इसका जो डायमीटर है उसको मेज़र करेंगे, इसका डायमीटर कितना है। अब आप देख सकते हैं इसका जो डायमीटर आ रहा है, इसका डायमीटर आ रहा है 5.5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 तो आ गया है। 5 के बाद 2 पॉइंट और दिख रहे हैं, 6 और 7। तो इसका जो डायमीटर है वो 5.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो साइज़ चार्ट के थ्रू आप 5.7 सेंटीमीटर के लिए कौन सा साइज़ आएगा